गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स को लेकर संबंधित न्यूज़पेपर्स में छपे। प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली, इस पर जल्द होंगी भर्तियां। तो आपका एक तो कांस्टेबल की 60,244 जो पदों पर पेपर लीक हो गया था उसका री एग्जाम कराने की तैयारी भी शासन स्तर पर तेजी से चल रही है। उसमें स्ट्रांग रूम वगैरह और जो परीक्षा केंद्रों की जानकारी है वो जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है जल्द ही आपको एग्जाम देखने के लिए मिल जाए। तो विभाग के पास कुल 3800 पद सर्जित है, मात्र 2500 जवान ही इस पर मुस्तैद है। तो प्रयागराज में ही आपका लगभग 1300 पद खाली है। अगर आप ओवरऑल शासन स्तर से देखेंगे तो 32,000 भर्तियां हैं। सूत्र बताते हैं कि होमगार्ड जवानों की कमी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है बल्कि अन्य शहरों के होमगार्ड विभाग का भी यही हाल है। इसका मुख्य कारण है कि होमगार्ड जवानों की आखिरी बार भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी। इस बार होने वाली भर्तियां करीब 32,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो लगभग पूरे शासन स्तर पर 32,000 पद अलग अलग जगह पर खाली है। महाकुंभ को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड जवानों की बड़ी जिम्मेदारी होती है लेकिन वर्तमान में होमगार्ड विभाग के पास पर्याप्त जवान ही नहीं है। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 में कुंभ मेले में लगभग 12,000 होमगार्डों की तैनाती की गई थी। तो इस बार भी देखिए काफी ज्यादा जवानों की जरूरत इसमें पड़ने वाली है। तो विभागीय सूत्रों ने बताया है कि विभाग में 1300 जवानों की भर्ती की तैयारी चल रही है और जल्द ही शासन स्तर से प्रदेश में भर्तियां शुरू हो सकती है। तो चलिए, अगर जितनी भी इसमें आएंगी, टोटल 32,000 बताई जा रही है, अब ये तो तभी पता लगेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा वीआईपी और ट्रैफिक पुलिस में अधिक तैनाती, वीआईपी ड्यूटी से लेकर यातायात कंट्रोल करने में सबसे अहम भूमिका होमगार्ड जवानों की होती है। और लगभग सूत्रों ने बताया कि होमगार्ड जवानों की संख्या 2500 जरूर है लेकिन इसमें भी कई सेवानिवृत्त होने की कगार पर है। यही वजह है कि होमगार्ड भर्ती इन दिनों जरूरी हो गई है। तो देखते हैं कब तक ये निकल कर आएगी। इसके अलावा एक और रेलवे में बहुत बड़ी भर्ती की जानकारी आई है। यहाँ पर आप देखेंगे कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद जो भी वेस्ट बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है, रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं आदेश। रेलवे में 18,799 लगभग 19,000 लोको पायलट की भर्ती आपकी की जाएगी। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 ALP सहायक लोको पायलट ड्राइवरों के तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा किया जाए। रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम होगा और मानवीय चूक जो ह्यूमन एरर होती है उससे होने वाले हादसों में कमी आएगी। नीचे देखेंगे 15 दिसंबर 2023 को 5696 सहायक लोको पायलटों के पदों पर भर्ती की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है लेकिन 16 जोनल रेलवे से ALP की अतिरिक्त भर्ती कराने की मांग की जा रही थी। तो अब इसकी समीक्षा करने के बाद 18,799 ALP के पदों पर भर्ती का फैसला किया गया है। इसके अलावा देखिए कारण भी यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि ट्रैक सर्किट खराब होने से फेल हुई सिग्नल प्रणाली। तो खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है कि जो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम था वो खराब हो गया था, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। दूसरे की जगह परीक्षा देने से पहले गिरफ्तार, तो कल आपका अलग अलग केंद्रों पर UGC नेट की परीक्षा थी उसमें ही ये अभ्यर्थी आपका पकड़ा गया है और ये सहायक अध्यापक है जो दूसरे की जगह परीक्षा देने गया था। जब इसमें बायोमेट्रिक बाहर सेंटर के चल रही थी उसमें इसको पकड़ा गया। पहले तो जब फिंगरप्रिंट इसके मैच नहीं हुए उसके बाद जब फोटो वगैरह का मिलान किया गया तो वहां पर यह पकड़ में आ गया और प्रयागराज की अभ्यर्थी की जगह दे रहा था परीक्षा, पकड़ा गया। पेपर लीक कराने में कई गिरोहों का हाथ, देखिए इसमें कल काफी बड़ा स्टेटमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर 0.001% भी नीट की परीक्षा में धांधली हुई है या इतनी एरर है तो भी ये बच्चों के हितों को प्रभावित करेगा, तो आप इसकी गहनता से जांच कराइए। तो नीट पेपर लीक मामले में सेटरों के कई गिरोह की सक्रियता सामने आई है। इसमें सिकंदर प्रसाद यादवेंदु से लेकर आयुष कुमार, ये सब जो लोग हैं, इसके पिता समेत 12 अन्य लोग भी शामिल हैं। इन्होंने सेंटरों से संपर्क साधकर अलग अलग छात्रों को पैसे लेकर प्रश्न पत्र दिए थे। इन्होंने संयुक्त रूप से पटना के रामकृष्ण नगर खेमनी चक में मौजूद लर्नड प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल को प्रश्न पत्र रटवाने का ठिकाना बनवाया था। तो देखिए इन हॉस्टल्स में पेपर रटवाए जा रहे थे, जैसे बीच में आपने देखा होगा रिजॉर्ट में भी RO के कुछ पेपर रटवाए गए थे। यही 35 से 40 अभ्यर्थियों को एकत्र किया गया था। तो ये बिहार वाला जो मामला है काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है यहीं से पेपर सेंटर ये लीक हुआ है। तो अब देखते हैं, इसमें जांच कर रही है, जो भी इसमें होगा वो आगे देखते हैं। अभी
अगस्त में पता चलेगा कॉपियों की अदला बदली के आरोपों में कितना दम। तो आपने देखा होगा एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि कॉपी उसकी फटी हुई है, इंग्लिश में जो राइटिंग है वो उसकी नहीं है। इसके बाद आयोग ने निर्णय लिया था कि UPPCSJ या जुडिशियल वाले एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट बैठे थे हम सबको उनकी कॉपियां दिखाएंगे। तो आयोग ने इसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी किया है और आज से, सॉरी माफ कीजिए, कल से अभ्यर्थियों को आयोग उनकी आंसर शीट्स दिखाएगा। कल से अभ्यर्थियों को दिखाई जाएंगी PCSJ की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। इसके बाद ये लगभग जुलाई तक चलेगा और फिर अगस्त में पता लगेगा कि हाँ कैंडिडेट्स का क्या रेस्पॉन्स इसमें आया है। तो PCSJ की मुख्य परीक्षा 2022 में एक अभ्यर्थी की ओर से अंग्रेजी विषय की कॉपी बदले जाने के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के मन में उपजी आशंका का समाधान करते हुए सभी को अपनी कॉपियां देखने के लिए आमंत्रित किया है। 31 जुलाई तक आपकी ये प्रक्रिया चलेगी और टोटल इसमें लगभग 18,042 कॉपियां दिखाई जाएंगी। तो देखते हैं अब इसके बाद अभ्यर्थियों का किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं इसका मामला, तबादले के लिए आज से कार्यमुक्त होंगे शिक्षक। तो प्रदेश के 2000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों को से दोबारा आवेदन लेते हुए BSA के स्तर से 13 और 14 जून को सत्यापन या वेरिफिकेशन कराया गया था। उसके बाद 15 से 18 जून तक इन शिक्षकों ने दूसरे जिलों के शिक्षकों से जोड़ा बनाने की कार्रवाई पूरी की है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। इसके अलावा एक ये और है, पदोन्नति में जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, इसका कोटा बढ़ाने के निर्णय का विरोध चल रहा है। कोटा 17% से 34% नहीं करने की मांग की गई है। इसके अलावा देखिए SSC ने CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है उसकी परीक्षा 27 तारीख से है और उसके प्रवेश पत्र SSC ने जारी कर दिए हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 27 से 29 जून तक कराई जाएगी। प्रवेश पत्र की लिंक आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। टोटल इसमें अगर देखेंगे तो 4,187 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन मार्च 2024 को जारी किया गया था। इसमें 3693 पुरुष ब्रांच में पद हैं और महिलाओं के लिए 308 पद रिक्त हैं। दिल्ली पुलिस में 123 और महिलाओं के 61 पद इसमें रिक्त हैं। काफी बढ़िया दिल्ली पुलिस की जॉब मानी जाती है। तो जो भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं 27 से 29 जून तक, उनको मेरे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है अपना एडमिट कार्ड तो समय से आप डाउनलोड कर लीजिए बाद में होने वाली असुविधा से बचने के लिए। तो यही आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो अलग अलग एग्जाम से संबंधित थे। अगर आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।